सोमनाथ मंदिर में राहुल गांधी की पूजा को लेकर विवाद, गैर हिंदुओं के रजिस्टर में दर्ज मिला कांग्रेस उपाध्यक्ष का नाम। कांग्रेस ने एंट्री रजिस्टर में राहुल के दस्तखत को बताया फर्जीवाड़ा, कहा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सिर्फ विजिटर रजिस्टर में किए थे हस्ताक्षर। स्वयं को लिखा हुआ है राहुल गांधी जी, फर्जीवाड़ा भी करते तो कम से कम ठीक से तो कर लेते। वो कहते हैं नकल मारनी ही थी तो नकल तो अकल से मार लेते। सोमनाथ में राहुल के दस्तखत को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने साधी चुप्पी, कहा गैर हिंदुओं को करनी होती एंट्री। जैसे बिन हिंदू के लिए एक जो टेंपल की प्रथा है वैसे रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। राहुल जी ने मंदिर में दर्शन भी किया, पूजा की और सरदार वल्लभ भाई को पुष्पा अर्पण करके अपने आगे के कार्यक्रम की और यहां से विदाई लिया है। हस्ताक्षर विवाद के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से मांगा जवाब, कहा देश को बताएं राहुल के धर्म की हकीकत। धर्म भी भ्रम, हकीकत क्या है, असलियत क्या है, ये आज हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस ने राहुल को बताया शिव भक्त, कहा भोले के आशीर्वाद से सामने आ गया सच। राहुल जी एक अनन्य शिव भक्त है और बाबा भोले के आशीर्वाद से सच आज हमारे सत्य का रास्ता, हमारा रास्ता सत्य का रास्ता है और सच की जीत गुजरात में होने जा रही है। राहुल के सोमनाथ दौरे पर इशारों में पीएम का भी हमला, कहा नहीं होते पटेल तो नहीं होता मंदिर का जीर्णोद्धार। जिया देश ना पहला प्रधानमंत्री हता सरदार वल्लभ भाई पटेल, सोमनाथ नो पुनरुद्धार करता था तेरे ना नाकना टेढ़वा चढ़ी गया। गुजरात में तेज होने लगा चुनावी घमासान, राहुल गांधी ने बीजेपी से मांगा सूबे में 22 साल का हिसाब। मिशन गुजरात में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोरबी, प्राची, पलिताना की रैलियों से कांग्रेस पर दागे सवाल। कांग्रेस पर पीएम मोदी का करारा वार, कहा जब मोरबी आई थी इंदिरा गांधी तब मुंह पर रखा था रुमाल। के इंदिरा बहन मुंह पर रुमाल राखी ने दुर्गंध थी बचवा माटे आम तेम भागवानी कोशिश करता था। जवाब में कांग्रेस ने भी जारी की तस्वीरें, इंदिरा के साथ साथ संघ कार्यकर्ताओं की नाक पर भी नजर आ रहा रुमाल। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताने को लेकर कांग्रेस पर मोदी का हमला, कहा जिसने देश को लूटा वो सिर्फ डकैतों के बारे में सोच सकते हैं। जेमने जिंदगी भर जनता की तिजोरियों पर डाकागिरी करी हो डाकुओं सिवाय बीजा कोई नहीं याद ना आवे पा। ओबीसी कमीशन पर भी मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा संवैधानिक दर्जा देने की राह में अटकाए जा रहे हैं रोड़े। राजकोट में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का चुनाव प्रचार, सीएम के रोड शो में उमड़ी लोगों की भीड़। गुजरात कांग्रेस में टिकट को लेकर मचा घमासान, पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा। चाय वाला थीम पर बन रही है गुजराती फिल्म, कल जारी होगा हूं नरेंद्र मोदी बनवा मांगू छू का टीजर। बतौर सीएम शिवराज सिंह ने पूरे किए 12 साल, मध्य प्रदेश के लोगों का अदा किया शुक्रिया। यूपी में निकाय चुनाव के लिए तीसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म, आखिरी चरण में करीब 53% वोटें। कन्नौज में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर लोगों का हंगामा, एक ही मोहल्ले में 250 लोगों के नाम गायब। जौनपुर में पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा कर रहे दो युवकों की पुलिस ने की जमकर पिटाई, मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर था हंगामा। महोबा में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर लोगों का गुस्सा भड़का, नाराज लोगों ने मतदान का किया बहिष्कार। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा के घूमर डांस पर विवाद, करणी सेना को नजर आया राजपूतों का अपमान। अपर्णा यादव के डांस पर करणी सेना ने भी लांगी मर्यादा की सीमा, मुलायम की छोटी बहू पर आपत्तिजनक टिप्पणी। भारतीय नारी है ऐसा काम मत करें, परिणा जी से कहना चाहता हूं, और फिर भी वो नहीं मान रही है तो उनको भी मैं नचनिया की वो संज्ञान दूंगा, वो भी नचनियाओं में शामिल हो जाए, ये राजनीति का फंदा छोड़ दे। समाजवादी पार्टी की ओर से अपर्णा यादव के डांस पर सफाई, कहा क्या पूछ कर मनाए जाएंगे निजी कार्यक्रम।
पणे यादव ने फिल्म पद्मावती के गाने घूमर पर लगाए थे ठुमके। भाई की सगाई पर जमकर झूमी मुलायम की छोटी बहू। प्याज की आसमान छूती कीमतों पर सरकार बेफिक्र। रामविलास पासवान बोले, मेरे हाथ में नहीं है दाम कम करना। लोग ये जानना चाहते हैं कि प्याज की कीमत कम होगी कैसे, कितना समय लगेगा। देखिए, मैंने हकीकत बतला दिया, वो हमारे हाथ में नहीं है। प्याज के दाम पर कृषि मंत्रालय ने भी साध ली चुप्पी। सवालों का सीधा जवाब देने से बचे कृषि मंत्री राधामोहन सिंह। जाड़ा बढ़ते ही दिल्ली में बढ़ गए अंडों के दाम। 120 रुपए कैरेट की जगह 180 रुपए पहुंची कीमत। हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट में पहुंची विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर। कहा, महिलाओं को अपने सपने पूरे करने का पूरा अधिकार। गोलकुंडा का किला देखने पहुंची वहां का ट्रंप। ट्वीट किया, ऐतिहासिक स्मारक को देखकर शानदार अनुभूति। कल निकलेगा डीडीए की आवासीय योजना का ड्रॉ। करीब 12,000 फ्लैट्स की तय होगी किस्मत। लोगों के लिए चालू हैदराबाद मेट्रो, कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उद्घाटन। सामने आया आतंकी जाकिर मूसा का नया वीडियो। साथियों के साथ जंगल में घूमते देखा दहशतगर्द। भारत के खिलाफ जहर उगलता सुनाई दे रहा है जाकिर मूसा। सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। हिजबुल का आतंकवादी था जाकिर मूसा। बुरहान वानी के बाद नहीं मिली कमान, अब खुद को बताता है अलकायदा का दहशतगर्द। यूएन में हाफिज की अर्जी पर सुनवाई में लगेगा वक्त। स्वतंत्र लोकपाल की नियुक्ति का इंतजार, इस साल अगस्त से खाली है पद। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ने संयुक्त राष्ट्र में दी है अर्जी, आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर करने की अपील। कहा, पाकिस्तान में नहीं है कोई सबूत। लुधियाना में बीएसएफ की वर्दी बनाने वाली फैक्ट्री से 60 वर्दियां चोरी, मालिक को कर्मचारियों पर शक। हनीप्रीत के खिलाफ चार्जशीट से खुले पंचकूला की साजिश के राज। 25 अगस्त के खून खराबे की मास्टरमाइंड थी राम रहीम की कथित बेटी। 17 अगस्त को सिरसा में हुई बैठक में लिया गया था हिंसा का फैसला। 1.25 करोड़ में चमकौर सिंह को दी गई थी हंगामे की ठेकेदारी। चार्जशीट के मुताबिक नेपाल भागने की फिराक में थे हनीप्रीत और राम रहीम, हिंसा से पुलिस का ध्यान भटकाने की थी योजना। दिल्ली के विश्वास नगर में एक सिपाही और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक घायल एक फरार। दिल्ली में एक महिला गिरोह का पर्दाफाश, करीब 1 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। राजस्थान के चुरू में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार, पुलिस को 4 आरोपियों की तलाश। यूपी के हमीरपुर में घर में घुसा बेकाबू रफ्तार ट्रक, एक महिला समेत 3 की मौत। कानपुर में संपत्ति विवाद में 2 लोगों की हत्या, बवाल के दौरान चाकू मारकर किया मर्डर। दिल्ली में 2 किलो कोकीन के साथ अमेरिकी महिला पकड़ी गई, अंतर्राष्ट्रीय गैंग के लिए करती थी काम। गुरुग्राम की भोंडसी जेल में सुरंग खोदने का सामान मिलने के बाद हड़कंप, फरार होने की फिराक में था गैंगस्टर अमित गुलिया। दिल्ली के बिंदापुर में बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम लेकर उड़ा गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या। शाहजहांपुर में मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत, 2 जख्मी। दिल्ली में सामने आया बस में आग का दिल दहलाने वाला वीडियो, पुलिस ने बचाई करीब 45 मुसाफिरों की जान। जम्मू पठानकोट हाईवे पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। चलते फिरते बैंक की तरह शुरू हुआ पेटीएम बैंक, छोटे दुकानदारों को मिलेगा कर, स्टोर से भी निकाल सकेंगे पैसे। नए साल से ट्रकों के केबिन में अनिवार्य होंगे एसी, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। बिना बिके फ्लैट पर आयकर विभाग की नजर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद हर साल देना होगा 10% टैक्स। एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक को देना होगा 100 रुपए जुर्माना, आरबीआई ने दी जानकारी। $10,000 के पार हुआ बिटकॉइन, 3 महीने में 140% बढ़ी बिटकॉइन की वैल्यू। शहरी यातायात की बेहतरी के लिए हाथ मिलाएंगे भारत और ब्रिटेन, दोनों देश एमओयू पर करेंगे दस्तखत। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और ऑटो इंडस्ट्री को मिलाना होगा हाथ, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया सुझाव। 20 रुपए बढ़कर 30,520 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी 200 रुपए गिरकर 40,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंची। 15 अंकों की मामूली गिरावट के बाद 33,602 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 9 पॉइंट्स गंवाकर 10,361 पर बंद।
कावासाकी ने भारत में रिकॉल की सुपर बाइक Z900 के 132 यूनिट। पिछले सस्पेंशन में खराबी का पता चलने पर कंपनी का फैसला। ओडिशा को पेट्रोलियम मंत्रालय का तोहफा, झारसुगुड़ा में सबसे बड़े स्वचालित ऑयल टर्मिनल की शुरुआत। तेजस को मिला नया मुरीद, पश्चिम बंगाल के मिद्नापुर में सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने उड़ाई देसी लड़ाकू विमान। कल कुरुक्षेत्र में 18,000 बच्चों के साथ गीता पाठ करेंगे विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर, हरियाणा के सीएम करेंगे सम्मान। अजमेर में सालाना सूफी समारोह का आगाज, देश विदेश के फनकार कर रहे हैं शिरकत। तीसरे टेस्ट मैच के पहले विराट कोहली को सम्मान, फिरोज शाह कोटला में DDC ने किया सम्मान। दक्षिण और उत्तर कोरिया के करीब पहुंचा आज तक DMZ में मुस्तैद दिखे दोनों देशों के जवान। दक्षिण कोरिया में तेज हुई जंग की तैयारी, आज तक के कैमरे में कैद हुई यंगचिन में प्रैंक ब्रिल और फौजी ताकत के प्रदर्शन की तस्वीरें। किम जोंग ने उत्तर कोरिया को घोषित किया परमाणु शक्ति वाला देश, कहा अमेरिका के किसी भी हिस्से में मिसाइल दागने की ताकत। करीब 2 महीने के बाद टूटी उत्तर कोरिया की चुप्पी, न्यूक्लियर वारहेड के साथ ICBM वासोंग 15 का सफल परीक्षण। नई ICBM को लेकर उत्तर कोरिया के बड़े दावे, करीब 13,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को रूस ने बताया उकसाने वाली हरकत, सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील। कोरियाई प्रायद्वीप में जबरदस्त तनाव, उत्तर कोरिया के ICBM परीक्षण के कुछ ही देर के बाद दक्षिण कोरिया ने भी किया जवाबी टेस्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।